सो ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ खाएंगे सर। पूड़ी बनाते वक्त लगता है कोई बेल बेल दे और हम तले, है ना? अच्छा, ज़्यादा सही रहता है। खाना बहुत अच्छा बना है। मैं तो पूछ ही नहीं रही कैसा बना है। अजिंदा बोले पूछने, अजिंदा पूछे बोलना पड़ेगा ना। नहीं नहीं जबरदस्ती हेलो दोस्तों, सो ये वीडियो जो है मैं बना रही हूँ ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। और मैंने आप लोगों से कल कहा था कि सर आने वाले रात में तो मैं आप लोगों को रात में मिलाऊंगी, बट सर एक्चुअली रात को ही चले तो सुबह अर्ली मॉर्निंग वो पहुँचे 5:30 बजे और उनके इंतज़ार में मैं रात भर नहीं सोई हूँ। मुझे लगा अब आएंगे, 2 बजे आएंगे, 3 बजे आएंगे, 3 बज गया, 4 बजे नहीं आए। फिर मैं 4 बजे जाके सोई हूँ, 5:30 बजे सर आए हैं। तो बस अब सर की क्लासेस हैं और शानवी भी गई है स्कूल, तो सर की भी क्लासेस है थी सुबह अर्ली मॉर्निंग ही, तो शानवी के साथ सर भी निकल गए टिफ़िन वगैरह लेके नाश्ता वगैरह करके। सो मैं बैठी हूँ सबके जाने के बाद, मैं बैठी हूँ नाश्ता करने। तो मेरे नाश्ते में आज क्या है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ उसमें। सो मेरे नाश्ते में क्या है आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, भिंडी की सब्जी है, पराठा है, और ये नींबू का अचार है, और ये मेरी चाय है। सो ये है मेरा आज का नाश्ता। सो मैं नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ, देखते हैं आज पूरे दिन क्या करते हैं। अभी फिलहाल मेरा 9वां 8वां महीना चल रहा है और 9वां महीना कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, तो बड़ों के अनुसार 8वें महीने में कहीं निकलते नहीं है, तो इसलिए फिलहाल अभी मैं घर पे ही रह रही हूँ, कहीं नहीं निकल रही हूँ। घर पे बैठ के बोर हो रही हूँ, बोर। सो धीरे धीरे मेरी दिक्कतें जो है ना वो बढ़ती जा रही हूँ। लाइक चलने में प्रॉब्लम हो रही है, पैर में दर्द हो रहा है, एवरी टाइम उठने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, दिक्कत है दोस्तों। बस ये 1 महीना जल्दी से कट जाए और जल्दी से बेबी हाथ में आ जाए, तब जाके मुझे सुकून मिले। सो जल्दी से नाश्ता करो, तो मेरी चाय ठंडी हो जाएगी और नाश्ता करने के बाद फिर आप लोग सुकून मिले। तब तक आप लोग वेट करिए। सो फ्रेंड्स, इस समय हो रहे हैं 12:20 और शानवी की स्कूल की छुट्टी हो गई होगी, बट अभी शानवी को आने में टाइम लगेगा। लगभग 12:45 या 12:50 से पहले वो आती नहीं कभी भी। तो मैं भी नहा वाली हूँ, पूजा वूजा सब हो ही चुका है, खाना भी बन चुका है और सब्जी तो सुबह की थी भिंडी की। सो मॉर्निंग में मैं ज़्यादा भिंडी इसलिए बनाती हूँ और प्रेफर करती हूँ क्योंकि शानवी को भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है और टिफ़िन में भिंडी ले जाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए सुबह भिंडी मैंने सब्ज़ी बनाई थी, वो ही सब्ज़ी बची हुई है। और चावल दाल मैंने बना दिया है, आज मैंने आम वाला दाल बनाया है आम डाल के। सो अभी मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना मिक्स फ्रूट जूस, तो मैं अभी जूस पी रही हूँ और शानवी आ जाए फिर उनको भी पहले जूस दूँगी, मैं जूस पी लेंगी उसके बाद लंच करेंगी। लंच इन द सेंस कि हाँ दोपहर का खाना खाएंगी, जब उनको मन करेगा तो खाएंगी, और खाने के बाद फिर वही है उनका, वही डेली वाला शेड्यूल है कि ज़बरदस्ती मैं उनको 2 घंटे तो 3 घंटे तो सुलाती हूँ, मैक्सिमम 2 बजे सुला देती हूँ, 3-4 5 हाँ और 5 बजे, 3 घंटे की सोती हैं, 5 बजे उठाती हूँ फिर पढ़ाती हूँ। तो यही अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम टाइम में शानवी का यही शेड्यूल फिलहाल चल रहा है दोस्तों। सो बस शानवी जी का वेट हो रहा है और कुछ नहीं, तो शानवी जी का वेट हो रहा है। अभी से बाहर जाके मैं खड़ी नहीं होंगी, अब ये गलती नहीं करूँगी, बाहर बहुत धूप रहता है, तो मैं सोच रही हूँ अभी 1 बजने वाले होंगे तब जाऊँगी बाहर और शानवी को लेकर आऊँगी, तब तक अपना जूस पी लेती हूँ दोस्तों और आप लोग को मिलती हूँ सीधा शानवी के साथ। सो फ्रेंड्स, हो चुकी है शाम के बज रहे हैं 7 और सर आ जाएंगे पढ़ा के 1 घंटे में। शानवी का जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट एग्ज़ाम है, तो ये देख सकते हैं आप लोग खीर जो है वो मेरा रेडी है, ये देखिए गर्मा गर्म खीर। ठीक है, खीर में टाइम लगता है ना, इसलिए मैंने खीर पहले बना लिया। और यहाँ देख सकते हैं आलू परवल की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, भुजिया सब्जी, और बनाऊँगी पूड़ी। तो पूड़ी तो अभी नहीं तलूँगी, आटा गूंथ के रख दूँगी और सर को गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी खीर आज खिलाओगी। सो उस दिन तो नहीं बना पाई, आज बना लूँगी, तो सोचा आप लोगों से शेयर करूँ, तो अब डिनर में बना लेती फिर आप लोगों से लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली बच चुके हैं 8 और सर आ चुके हैं पढ़ा के। सो मैं अब गर्मा गर्म पूड़ियाँ तलने जा रही हूँ और सो गर्मा गर्मा पूड़ियाँ तलूँगी और सर को खिलाऊंगी गर्मा गर्म खाना। और आज है सैटरडे, तो इसलिए मैंने ये पीला सिंदूर आज लगाया है सैटरडे की वजह से। सो बस जल्दी से पूड़ियाँ तल लेती हूँ और सर को खाना देती हूँ, गर्मा गर्म सर्व करती हूँ
और उसके बाद शांति तो ऊपर खेलने गई है, आती फिर शांति को भी खिलाऊंगी, उसके बाद तब मैं खाना खाऊंगी। तो पहले सर को पूड़ियाँ कल के दे दूँ गर्मा गर्म, उसके बाद देखिए सर खीर सब्जी एकदम कुरकुरा आलू, सर को बहुत पसंद है कुरकुरा आलू और परवल है, और ये पूड़ियाँ पूड़ियाँ तलने जा रही हूँ, ठीक है। सो जल्दी से पूड़ियाँ तल लेती हूँ, फिर मैं तो थोड़ा चावल है दोस्तों, तो मैं वही खाऊंगी थोड़ा, क्योंकि मुझे चावल ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे एक तो पूरी मिली थोड़ा चावल मिली। सो ये मेरी गर्मा गर्म फूली हुई पूरी, सो ये गर्मा गर्म पूरियाँ खाएंगे सर। पूरी बनाते वक्त लगता है कोई बेल बेल दे और हम तले, है ना, अच्छा ज़्यादा सही रहता है और ज़्यादा फास्ट बनती है, खुद ही बेलो खुद ही तलो, इसीलिए मैं पहले बेल के रख लेती हूँ उसके बाद एक ही साथ तलती हूँ, ये मुझे ज़्यादा सही लगता है। और एक्चुअली एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है ना, नहीं तो मैं बेलती भी रहती पलती भी रहती, दोनों काम करती रहती हूँ साथ। सो बस फिलहाल ये चार पूड़ियाँ दे के आती हूँ सर को, सर खाते भी रहेंगे और गर्मा गर्म पूड़ियाँ मैं तलती भी रहूँगी। तो सर को खाना दे देती हूँ दोस्तों और आप लोग को मिलती हूँ अपने खाने के साथ। तो सर थके थके आए हैं तो खा लें वो जल्दी तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ठीक है मिलते हैं आप सीधा मेरे खाने में, ठीक है। खाना बहुत अच्छा बना है। मैं तो पूछ ही नहीं रही कैसा बना है। आज ना बोले पूछने, आज ना पूछे बोलना पड़ेगा ना। नहीं नहीं जबरदस्ती मत बोलिए। बहुत औसम खाना बनाया दोस्तों, और इनके हाथ में तो जादू है, दिन प्रतिदिन ये जादू बढ़ता ही जा रहा है। म्यूट कर दूंगी मैं। तो फ्रेंड्स सर खाना खा चुके हैं और अब मैं खाना लेके बैठी हूँ और मैं खा रही हूँ, और मेरे खाने में क्या है देख लीजिए आप लोग, पूरी सब्जी खीर और थोड़ा सा राइस था सुबह का तो वो भी मैं खा रही हूँ। सो मैं जल्दी से खाना फिनिश कर लेती हूँ, फिर शानवी आएंगी तो उनको भी खिला दूँगी। एक्चुअली शानवी को शाम को मैं थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता कुछ करा देती हूँ, इसलिए शानवी को जल्दी भूख नहीं लगती है, और कल थोड़ा संडे है इसलिए थोड़ा शानवी आ जाए। अभी 8 ही बज रहा है, मुझे तो भूख जल्दी लग जा रही है इसलिए मैं खा ले रही हूँ। शानवी को 9 बजे तक खिलाऊँगी तो 10 बजे तक सुला दूँगी, कल है संडे तो कल तो शानवी वैसे भी स्कूल जाना नहीं, इन्जॉय करेगी। सो मिलते हैं खाना खाने के बाद। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सब, स्वागत है मेरे नए मॉर्निंग के नए ब्लॉग में। सो आज है संडे और संडे तो शानवी की छुट्टी है, तो शानवी बैठ के मेरे ब्लॉग्स इन्जॉय कर रही हैं, चॉकलेट चैलेंज, और शानवी भी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, मैं भी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और मैं भी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, और सर ब्रेकफास्ट करके जा चुके हैं पढ़ाने, और संडे संडे को भी सर की क्लासेस रहती हैं तो सर गए हैं अपनी क्लासेस लेने। मे भी आज जल्दी आ जाए सर, 2 बजे तक मे भी आ जाए सर ने जैसा कहा है। तो मैं भी अब नाश्ता करने बैठ गई हूँ और अभी बज रहा है 9 बज गया है। आज थोड़ा नाश्ता मैंने हल्का सा लेट बनाया है, मतलब हल्का सा लेट कर रही हूँ क्योंकि आज शानवी घर पर है ना, तो शानवी को भी नाश्ता कराना, दूध देना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम निकल गया। सो बस नाश्ता कर लेती हूँ जल्दी से, और मेरी बेटी मेरी ही फैन है, देखिए मेरे ब्लॉग्स बैठ रही है, चॉकलेट चैलेंज जिसने अभी तक ये चैलेंज नहीं देखा है देख लीजिए, बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत ही इंटरटेनिंग ब्लॉग्स है, मेरे पुराने ब्लॉग्स में उठा के देखिए आप लोग काफ़ी इंटरटेन होंगे। तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ दोस्तों, उसके बाद आप लोगों से भी आप लोगों से कुछ कहना चाहती है बोलो, उसको कम करके बोलो। देखिए इतनी अकल तो मेरी बेटी को भी आ रही है। हाँ और शेयर कमेंट्स, हाँ, कमेंट्स तो ये है वो चैलेंज जिसकी बात शानवी कर रही है, इसको आप लोग देखिए और इंजॉय करिए। तो मैं जल्दी से नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ दोस्तों और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये मैंने बाल देख रहे हैं, ये मैंने बाल में वो लगाया है क्रीम, आजकल मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ हिमालय का, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसको लगाने के बाद जब वॉश करें तो हेयर जो है ना एकदम सिल्की और सॉफ्ट हो जा रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। सो आजकल मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, और अगर आपको इस क्रीम के बारे में जानना है, इसका नाम जानना है, तो फिर आप कमेंट करिए, मैं उनको ज़रूर बताऊँगी और सजेस्ट करूँगी। सो मिलते हैं नाश्ते के बाद।